मैं खुश था जब उन्होंने कहा, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, आओ यीशु के घर को चले, यीशु के घर में हम नाचेंगे गाएंगे, यीशु के घर में हम नाचेंगे गाएंगे, यीशु के घर में हम नाचेंगे गाएंगे, आओ यीशु के घर को चले, यीशु के घर में है शांति और आराम, यीशु के घर में है शांति और आराम, यीशु के घर में है शांति और आराम, आओ यीशु के घर को चले। मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुझे लगा कि कुछ मैं बोलूं, प्रभु ने मेरे मन में कुछ बात डाली। आज का यह दिन प्रभु ने जब दिखाया तो मुझे लगा कि चलिए कुछ बात तो प्रभु ने मेरे मन में डाल दी है, तो ये बात तो मेरे लिए अकेले के लिए तो है नहीं, या मेरे साथ रहने वालों के लिए तो है नहीं, ये उन सबों के लिए है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या एक्स टीवी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए प्रभु के कलाम को शेयर किया जाए, यहां वहां के व्हाट्सएप, यहां वहां के मैसेजेस, यहां वहां के स्टेटस डालकर समय की बर्बादी करते, लेकिन अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन ये बुरे भी हैं, थोड़े भी हैं, ऐसा ही मैं कहना चाहूंगा। भजन पढ़ रहा हूं पहले, उसके बाद मैं मूल विषय पर मैं आऊंगा। भजन 122 और उसकी पहली आयत, जो गीत मैंने गाया, कोरस मैंने गाया, जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम प्रभु के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। दाऊद कहता इस यात्रा के गीत में, दिस इज द सॉन्ग ऑफ जर्नी, ट्रेवलिंग यात्रा के समय गाने वाला यह गीत है, लेकिन कौन सी यात्रा इस पर मैं बात नहीं कर रहा, कहां की यात्रा, कहां जाने वाली यात्रा इस पर मैं बात नहीं कर रहा, मौका मिले तो उस पर कभी और बात करें। लेकिन आज जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो दाऊद कहता कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम प्रभु के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। तो सवाल यह है, कितने लोग चर्च जाते वक्त खुश होते हैं? अब चर्च रविवार का दिन है, अलग अलग जगह सर्विसेज चलती हैं, अलग अलग जगह आप जाते हो। सैटरडे को मैं चर्च नहीं मान रहा, हालांकि वीकली सर्विसेज भी चर्च में आती है, लेकिन जब हमने दिन तय कर ही लिया है, कैलेंडर में रविवार का दिन छुट्टी तय हो गई है, सरकारी छुट्टी है भैया, अब कई लोगों को छुट्टी नहीं मिलती, वो बात अलग, लेकिन उसके लिए हमारे पास तोड़ है, शाम को भी सर्विसेज चल रही हैं कई जगहों पर, तो या तो आप सुबह काम को जा रहे हैं शाम को चले आइए, या आप शाम को काम को जा रहे तो सुबह चले आइए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कितने लोग चर्च के नाम से खुश होते कि चलो आज चर्च जाने का मौका मिला। और दाऊद कहता कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ प्रभु के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। आज का जो वचन मैं शेयर कर रहा हूं वो लूका विशेष है, लूक स्पेशल, लूका ने जो लिखा उसकी किताब में, उस पर मैं बात कर रहा हूं। ऐसे कुछ लोग आपके सामने मैं रख रहा हूं जिनको चर्च जाने का अवसर मिला और चर्च गए, और कईयों को तो फायदा भी हो गया, कोई है जो कहेगा हमें भी, हालांकि हम फायदे के लिए चर्च आए ये मैं आपको कतई नहीं बता रहा, लेकिन बताना चाह रहा हूं कि चर्च आइए, चर्च चलिए। और लूका मैंने बताया विशेष है, तो लूका उसका चौथा अध्याय उसकी 31वीं आयत में, फिर यीशु, आप उसको 35-36 तक पढ़ लीजिएगा, फिर यीशु गलील के प्रदेश के कफरनहूम नगर में गए, वह सबके दिन लोगों को उपदेश दे रहे थे, सैटरडे का दिन था, हालांकि हमारे लिए आज रविवार का दिन इंपॉर्टेंट हो गया है, सैटरडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पुराने नियम में सैटरडे इंपॉर्टेंट था, सातवां दिन सैटरडे था, लेकिन जब यीशु मसीह मृत्यु पर से जी उठे वो तीसरा दिन था, वो रविवार का दिन था, और हम मसीह लोग अब सैटरडे तो हम लोग एक्स फाउंडेशन में मना ही रहे हैं, बिल्कुल सब्त का दिन है, बिल्कुल हम प्रभु के साथ वक्त बिता रहे हैं, लेकिन वो दिन जिस दिन यीशु कब्र में से
बाहर आए, जिस दिन यीशु जिंदा हुए उसको हम अब इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मेरा कल कब होगा? तीसरे दिन। आप तकलीफ में हो और आप चाहते कि छुटकारा मिले, छुटकारा कब मिलेगा? तीसरा दिन। आप चाहते कि प्रभु आपकी बीमारी से आपको छुटकारा दे, आपको चंगाई दे, वो कब मिलेगी? तीसरे दिन। क्यों? क्योंकि तीसरा दिन ये वो दिन था जब यीशु ने मौत पर फतह पाई, मौत पर विजय हुए। और मित्रों, मौत पर उसने जीत पाई, लेकिन खाली कब्र ये दर्शाती है कि यदि आप तकलीफ में हो, समस्या में हो, बीमारी में हो, नौकरी नहीं या आंसू है, जीवन में तबाही है, पारिवारिक प्रॉब्लम्स, तो उस खाली कब्र को देखिए। तीसरे दिन वो कब्र खाली हो गई। क्यों? आपके लिए, ताकि आप उस खाली कब्र को देखें और अपने आप को प्रोत्साहित करें कि वो खाली कब्र है। इसका मतलब जिसकी मैं इबादत कर रहा, जिसकी मैं स्तुति कर रहा, जिसका मैं प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा हूं, जिसके नाम पर मैं डंके की चोट पर मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हो जाता हूं। क्यों? किसके भरोसे पर? किसके भरोसे पर? वो खाली कब्र ये बता रही है कि जिस पर आप विश्वास कर रहे हो वो अंदर नहीं, वो जिंदा है। इसी का मतलब आपको उम्मीद है, आपके पास आशा है। तो तीसरा दिन रविवार का दिन इंपॉर्टेंट है। सैटरडे आए वो तो हमारे सेल्फ रिक्वायरमेंट थी, स्वेच्छा थी कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमें रंटिंग प्रे कर रहे, इत्मीनान से उपवास प्रार्थना में होते, रविवार को भी उपवास प्रार्थना होता हमारा। लेकिन रविवार का दिन हम चर्च में आ रहे हैं तो लिखा है कि यीशु उन दिनों में सबके दिनों लोगों को उपदेश दे रहे थे, लोग यीशु के उपदेश से चकित हो गए क्योंकि यीशु का वचन अधिकार से था। आराधनालय में एक मनुष्य था, उसमें अशुद्ध आत्मा थी। आराधनालय में एक मनुष्य, चर्च में एक आदमी है, चर्च में एक आदमी है, भले ही उसके अंदर अशुद्ध आत्मा है, भले ही दुनिया की नजर में ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, बाबा लोग उससे डरते होंगे क्योंकि उसके अंदर अशुद्ध आत्मा है, लेकिन खुशी की बात है कि बाबा अशुद्ध आत्मा से भरा हुआ मनुष्य भी कहां पर है? चर्च में है। मैं तो कहना चाह रहा हूं कि चर्च में खुशी खुशी आई है। कुछ लोग रोना बताते हैं कि भैया आज मेरे घर में यह प्रॉब्लम है इसलिए चर्च में नहीं आ रहा, आज मेरे घर में यह समस्या चर्च में नहीं आ रहा, आज मुझे जुकाम हो गया, आज मुझे बुखार हो गया, आज मेरा पेट ठीक नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है, इसके लिए चर्च में नहीं आ रहा। देखिए मैं खास रहा हूं, फिर मैं आपके साथ वचन शेयर कर रहा हूं। इस आदमी को तकलीफ है लेकिन कहां है वो? चर्च है। हम तकलीफ को वजह बताते चर्च में ना आने की, लेकिन लिखा है आराधनालय में चर्च में एक मनुष्य था लिखा है, उसमें अशुद्ध आत्मा थी। ये पास्ट टेंस है क्योंकि जाहिर है यदि आप चर्च में हो, वहां पर यीशु है, जहां दो या तीन जमा है वहां पर यीशु है, और जहां पर यीशु है आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या, आपका अशुद्ध आत्मा भूतकाल बन जाएगा, पास्ट टेंस बन जाएगा, क्योंकि जब यीशु है और आप भी आओगे तो समस्या नहीं रहेगी, अशुद्ध आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगी, बीमारी आपके अंदर नहीं होगी, वो आपको चंगाई भी देने वाला परमेश्वर है। कोई है जो कहेगा मैं नहीं? मेरे भाई मेरी बहन, उसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, और चर्च में यदि आप हो तो जरूर यीशु आपको नोटिस करेगा, जरूर आपको देखेगा। यदि आप चर्च में नहीं आए, आप घर में बैठे और आप अपेक्षा करें प्रभु मुझे नोटिस करे, नहीं भैया, प्रभु आपको नोटिस नहीं करेगा। लेकिन चर्च में हो, प्रभु आपको देख रहा, दैट इटसेल्फ मींस दैट ही इज हैविंग आईज, उसके पास आंखें हैं और वो आपको देख रहा है। भजन में लिखा कि प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती। कौन धर्मी है जो चर्च में आ रहा है? यदि आप चर्च में आ रहे हो, कोई आपको नोटिस करे या ना करे, लेकिन मेरा खुदा, मेरा यीशु आपको नोटिस जरूर करेगा। लिखा है कि यीशु ने उसको नोटिस किया, और फिर लिखा है यीशु ने उसको डांट कर उस आत्मा को चुप कराया और मनुष्य से निकल जा। ऐसा कहा, वो आत्मा निकल गई, आत्मा निकल गई, छुटकारा मिल गया। यह साल मुक्ति का साल है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, बात समस्या की नहीं, बात तकलीफ की नहीं, बात यह है कि आप चर्च में हो कि नहीं। लुका बखूबी कुछ ऐसे लोगों की तस्वीर पेश करता जो चर्च में है। इसी प्रकार से यदि मैं आपको लुका उसका 13वां अध्याय और उसके 10वीं आयत से आगे लेकर जाऊं तो लिखा है, फिर यीशु चर्च में सबके दिन यीशु एक आराधनालय में उपदेश कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप चर्च मिस कर रहे हो, लेकिन जिसकी आप इबादत करते, जिसके बलबूते पर आप नौकरी के लिए अपेक्षा करते, आप अपनी कमाई प्रभु को देते,
और ये सोचते कि आपका जीवन खुशहाली में जाएगा क्योंकि आपने रसमांश दिया, आपने ऑफरिंग दिया, लेकिन भैया जिसके भरोसे पर कर रहे हो वो खुद चर्च में जा रहा है बार बार। खैर, लिखा है कि यीशु चर्च में आए और वहां पर एक स्त्री थी, ये सुनिए इसके बारे में कहानी सुनिए, 18 वर्ष से उसको दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा सता रही थी, ये कुबड़ी थी, कुबड़ी झुककर चलती थी, कुबड़ी 18 साल हो गया बेचारी, 18 साल से ठीक से सीधे चल नहीं पाती। खुदा का शुक्र मनाइए कि आप ठीक हो, आपके हाथ पांव सही सलामत है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, हॉस्पिटल में नहीं हो, कुबड़े नहीं हो, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन फिर भी आप चर्च में नहीं आ रहे, या प्रभु के मंदिर में यदि आ रहे हैं तो संदेश को इग्नोर करिए, अपनी आत्मिक जागृति के लिए इस संदेश को सुनिए। लेकिन यदि नहीं आ रहे तो भैया लानत है, क्योंकि आप अपनी सही सलामत वाली हालात के बावजूद चर्च में नहीं आ रहे हो। कमजोरी में तो आना ही चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कमजोरी है इसलिए मत आइए, बीमारी है इसके लिए मत आइए, मैं कह रहा हूं उसमें तो आइए ही आइए, क्योंकि मैं ऐसे लोग आपको दिखा रहा हूं जिनको तकलीफ है लेकिन वो चर्च में, जिनके पास चर्च न आने की वजह है फिर भी वे चर्च में है। मुद्दा ये नहीं कि प्रभु चर्च में आइए तो छुटकारा देगा, आपको चंगाई देगा, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कमजोरी है, तकलीफ है, असहाय हो, फिर भी आप चर्च में हो कि नहीं। और ये भी चर्च में थी, चर्च में आई, यीशु ने उसे देखा, यीशु ने उसे देखा। मैंने कहा जब चर्च में आओगे आपको यीशु नोटिस जरूर करेगा, यीशु नोटिस जरूर करेगा, नोटिस कर। इसी लुका में 19वां अध्याय में जब कई पेड़ पर चढ़ गया था, उसको लगा कि कोई नोटिस नहीं करेगा, मैं तो पापी हूं, मैं तो नाटा हूं, चलो केवल यीशु को देख के निकल जाऊंगा। लेकिन सवाल यह नहीं था कि उसने यीशु को देखा कि नहीं, सवाल यह था कि यीशु ने किसको किसको देखा। यीशु ने जक्कई को देखा, वो नोटिस करता है, इस औरत को यीशु ने नोटिस किया। अरे बाप रे, को भी यीशु से देखा, उसको बुलाया और कहा नारी तो अपनी दुर्बलता से छुट गई है। यीशु उस पात्र के वो तुरंत सीधी हो गई। आज दुख की बात है कि आप ऑलरेडी सीधे हो और टेढ़े हो गए, लेकिन ये तो टेढ़ी है लेकिन चर्च में आई है और सीधी हो गई, यीशु ने नोटिस कर लिया। क्या आप चर्च में हो? दाऊद ने कहा कि मैं खुश हुआ जब मुझसे कहा कि चर्च में चलो, मैं आनंदित हुआ। एक और मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, ये औरत बूढ़ी है लेकिन मैं इसका बुढ़ापन दिखा रहा हूं, साथ में दिखा रहा हूं कि ये विधवा है। कई बार हम सोचते कि यार मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मेरी तो ये प्रॉब्लम है, मेरी तो ये समस्या, ये औरत की समस्या देखिए, विधवा है। समस्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 84 ईयर से विधवा है, 84 साल से, 7 साल ही पति के साथ रह पाई। लेकिन लिखा है यीशु का जन्म हुआ था उस वक्त, क्रिसमस का टाइम था, और लिखा है कि वो विधवा होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रही और 84 वर्ष से विधवा थी। वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, वो उपवास और प्रार्थना कर रात दिन उपासना क्या करती थी, वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। आज आप तकलीफ में हो और उस तकलीफ को चर्च में न आने की वजह बता रहे हो। मित्रों, यह औरत विधवा, इसकी तकलीफ देखिए, 84 ईयर्स से 84 साल से विधवा है, 37 साल पति के साथ रह पाई, लेकिन इसने सबसे बढ़िया काम किया, इसने मंदिर को नहीं छोड़ा, उसने चर्च को नहीं छोड़ा। आप चर्च को छोड़ रहे हो, आप चर्च से दूर कर रहे हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको चर्च से दूर करती, थोड़ी सी बीमारी आपको चर्च से दूर करती, लेकिन मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूं जिनको नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार पेट दर्द उल्टी वॉमिटिंग ये सब तकलीफ नहीं है। एक 18 साल से कुबड़ी है, एक 84 साल से विधवा है, एक आदमी एक को तो दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया है और ये तो विधवा औरत है लेकिन मंदिर को नहीं छोड़ती थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी। और एक मनुष्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, लुका में से, मैंने कहा लुका विशेष है, लुका में से ही दिखा रहा हूँ। लिखा है कि लुका उसका 2वां अध्याय, एक व्यक्ति है जिसका नाम शिमोन, 25 से आगे पढ़े, शिमोन नामक मनुष्य था, वो धर्मी और भक्त था, वो इज़राइल की शांति की प्रतीक्षा कर रहा था। 27 वो आत्मा की प्रेरणा से मंदिर में आया। पहले तो ये बता दूं कि आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया, यानी चर्च जाने की प्रेरणा पवित्र आत्मा देता है। यदि आप चर्च नहीं आ रहे इसका मतलब आपको आत्मा प्रेरित नहीं कर रहा है,
इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा आत्मा नहीं है। आप बोलते होंगे अन्य भाषा, आप गिरते होंगे पवित्र आत्मा से भरकर नीचे होते होंगे, सब पवित्र आत्मा के चिन्ह आपके जीवन के द्वारा, लेकिन आप यदि चर्च में नहीं आ रहे हो, आपके अंदर यदि चर्च में नहीं आ रहे हो तो आपके अंदर आत्मा ही नहीं। आप किसी और आत्मा के प्रेरित से जहां जा रहे हो, किसी वो कोई और आत्मा है जो आपको वहां जाने के लिए प्रेरणा दे रहा है, वो कोई आत्मा और आत्मा है जो आपको घर में रहने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन ये पवित्र आत्मा है वो आपको चर्च में आने के लिए प्रेरित करेगा। लिखा है कि वो धर्मी था, भक्त था, और आत्मा ने उसको चर्च में आने के लिए प्रेरित किया, और लिखा है कि उस दिन वो जब चर्च में आया, बूढ़ा है लेकिन वो चर्च में आया, बूढ़ा है लेकिन वो चर्च में आया। मेरे भाई मेरी बहन, बुढ़ापन को, वृद्धावस्था को अपनी कमजोरी मत बनाइए। मुझे खुशी है कि मेरे माँ बाप वृद्धावस्था में भी डॉक्टर ने मना किया फिर भी वो लोग में आ रहे हैं, डॉक्टर ने मना किया फिर भी वो ऊपर चढ़कर तीसरे माले पर वो आ रहे हैं। चर्च हमारा ऊपर है, अपर रूम है बिल्कुल। वृद्धावस्था को वजह मत बताइए चर्च न आने की, इन्होंने ऐसी कोई वजह नहीं बताई, ये चर्च में आए। मैं और एक आखिरी बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, एक या दो बताने की कोशिश करूंगा, सुनिए। और एक पांचवा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, यीशु के माँ बाप चर्च में है। प्रॉब्लम क्या थी मालूम? प्रॉब्लम थी कि यीशु खो गया, एक माँ बाप उनका बेटा खो गया, ढूंढ रहे यहां वहां गए, रिश्तेदारों के पास पहुंचे और जान पहचान वालों के पास ढूंढा, नहीं मिला, और फिर कुछ नहीं मिला। तीसरा दिन में बोला ये संडे है, तीसरा दिन ये चंगाई का दिन, तीसरा दिन ये आशीष का दिन, तीसरा दिन ये खाली कब्र को दर्शाता है और हम इसको रविवार कहते हैं, और बाइबल यू कहती 33 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी बातें सुनते और प्रश्न पूछते हो पाया। 3 दिन के बाद कहां मिले यीशु मालूम? एक माँ बाप को उनका बेटा कहां मिला? एक माँ बाप को उनका बेटा चर्च में मिला है। आप तकलीफ में हो, आपके अपने खो गए, आपके अपने बिछड़ गए, आपके अपने आपकी बात नहीं सुन रहे, बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, माँ बाप बच्चों के साथ बात कर रहे हैं लेकिन बच्चे सुनना नहीं चाह रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज आपकी अवस्था बिल्कुल ऐसे माँ बाप की होगी जिनको टेंशन है, जिनको परेशानी है, अपने बच्चे की बच्चा नहीं मिल रहा। आखिर में कहां आए मालूम आपको? आखिर में आए चर्च में, आखिर में आए मंदिर में शायद प्रार्थना करने, लेकिन लिखा है कि यीशु मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए। चलो आप प्रार्थना करेंगे हमारा बेटा हमें दे दे प्रभु, लेकिन आपको मालूम मंदिर में कौन मिला? मंदिर में उनका बेटा उनको मिल गया है। आप असहाय हो, आप टेंशन में हो, निराशा में हो, चर्च में आइए, हर सवाल का जवाब आप कहीं मिलेगा तो चर्च में मिलेगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, इसी लूका ने प्रेरितों के काम इस किताब को लिखा 3 अध्याय में एक आदमी चर्च में उछलता हुआ कूदता हुआ आया। मालूम कौन है ये? मालूम क्यों ये उछलने कूदने लगा? ये लंगड़ा है, ये लंगड़ा भिखारी है, लेकिन ये उछलने कूदने क्यों लगा? क्योंकि वो चर्च के बाहर बैठा था, चर्च के पास बैठा हुआ था। यदि चर्च के पास बैठे रहोगे, उम्मीद है कि कोई पत्रस और यूहन्ना आए और आपको चंगाई दे और आपको उछलने का मौका मिल जाए। आप कहोगे बचपन से मैं लंगड़ा हूं, बचपन से मैं उछल नहीं सकता, कूद नहीं सकता, नाच नहीं सकता, लेकिन आप चर्च के पास हो, चर्च के करीब हो, प्रभु आपको जरूर मौका देगा कि आप उछलो कूदो और चर्च में आकर प्रभु की स्तुति आराधना करो, जैसे लंगड़े भिखारी ने की। लूका ने एक और आदमी की तस्वीर आपके सामने रख दी है कि लंगड़े होंगे, भिखारी होंगे, फिर भी कहां पे होना चाहिए? चर्च में होना चाहिए, जैसे ये लंगड़ा भिखारी था। आप इसी लूका में 4th अध्याय यदि आपको मैं इसके 15 और 14 भी आया तो 15 को मैं आपको बताऊं तो कुछ लोग चर्च में आए, लोग, और ये भूखे और प्यासे लोग हैं। लिखा है मत्ती 5वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, ये लोग भूखे और प्यासे चर्च में आए। इनको भी कमजोरी है कहीं की मालूम? भूख और प्यास है, खाए पिए नहीं है, भूखे हैं, प्यासे हैं, किस चीज के लिए? खुदा के वचन के लिए। और लिखा है कि जब चर्च में आए यीशु उनकी आराधना में उपदेश करने लगे, सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। ये लोग चर्च में आए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भूख लेकर आए, प्यास लेकर आए, वचन की, पवित्र आत्मा की, प्रार्थना की कि भैया मैं तो प्रार्थना करूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, वचन को सुनूंगा। और जब वो आए, यीशु ने ऐसा प्रीचिंग किया कि वे तृप्त किए गए और लोग प्रशंसा करने लगे, यीशु की तारीफ करने लगे। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अपनी कमजोरी, अपनी बीमारी, तकलीफ, लूका ने ऐसे लोगों की तस्वीरें, मैंने 6-7 अब उदाहरण आपको ऐसे दे दिए, ऐसे लोगों की तस्वीर दिखा दी जिनका कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन वो कहां थे?
चर्च में थे, आप प्रॉब्लम बोलकर चर्च में नहीं आ रहे हो, लेकिन इनको तो प्रॉब्लम है, ये समस्या में है, ये तकलीफ में है, बीमारी में है, कोई कुबड़ा है, कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, कोई बुढ़ा है, कोई विधवा है, तो कोई भूखा और प्यासा है, कोई लंगड़ा है, लेकिन ये लोग कहाँ है? ये लोग चर्च में है। आप लोग सीधे हो, आप कुबड़े नहीं हो, आप तो चंगे हो, आप भली भांति ठीक ठाक हो। तो मेरे भाई मेरी बहन, आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, प्रभु के मंदिर का महत्व समझिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द चर्च। परमेश्वर के मंदिर को महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। मंदिर बनाया ही आपके लिए गया है। इसराइली जब जंगल में भटक रहे थे, प्रभु ने कहा ठीक है भैया, सब कुछ ठीक है, यात्रा कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मंदिर बनना चाहिए। और एक चर्च बनाया जिसको हम मिलाप वाला तंबू कहते हैं, टबरनेकल कहते हैं। कहां बनाया मालूम? लोगों के बीच में। क्यों? होता कि लोग मंदिर में जा सके, लोग मंदिर को देख सके, मंदिर के इर्द गिर्द रह सके। क्या आप चर्च के इर्द गिर्द हो? मेरे भाई मेरी बहन, लूका ने कुछ लोगों की ऐसी तस्वीर रख दी है जिनको प्रॉब्लम है, लेकिन वो चर्च में है। प्रॉब्लम है इसके लिए चर्च में नहीं आ रहे, ये वजह मत बताइए, लेकिन प्रॉब्लम है इसलिए चर्च में आ रहे हैं, ये प्रभु आपसे सुनना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनको प्रॉब्लम नहीं वो चर्च में ना आए। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूँ जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो चर्च में। जैसे ये आखिरी उदाहरण मैंने जो दिया, ये वो लोग हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन वचन के धर्म के भूखे और प्यासे हैं, और वो तृप्त भी किए गए। प्रभु के मंदिर के महत्व को समझिए, और दाऊद के जैसे कहिए कि जब चर्च जाने का टाइम आया तो मैं आनंदित हुआ, मैं मगन हुआ, मैं खुश हुआ। प्रभु आपको आशीष दे।